हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज अपन पिछले वाला जो टॉपिक था चट्टानों का जो अपक्षय होता है उसी को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं और उसी टॉपिक के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है उसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं। तो उनकी मुख्य रूप से अपन तीन कैटेगरी डिसाइड करते हैं। एक अपने पास में है जलवायु कारक, दूसरा आपके पास में है भौतिक कारक और तीसरा आपके पास में कौन सा है रासायनिक या संरचनात्मक कारक। इन तीन कारकों के आधार पर अपन प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे संक्षिप्त रूप से। जलवायु के कारक हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है अपक्षय के अंदर, भौतिक कारक का क्या प्रभाव पड़ता है अपक्षय के अंदर, रासायनिक या संरचना जो होती है चट्टानों की संरचनाएं वगैरह होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है अपक्षय के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कौन सा जलवायु कारक, कौन सा जलवायु कारक मतलब बात करें तो अपने पास में है ताप है, यह इसके अलावा बात करें नमी है, पानी की उपस्थिति है। टेम्परेचर अपन ने देखा था, अगर तापमान अपन बढ़ाते हैं तो चट्टानों का अपक्षय तीव्रता से होता है। क्या होता है? तीव्रता से होता है। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, चट्टानों के अपक्षय की प्रवृत्ति होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पहला कारक आपके पास में है। जलवायु कारकों के अंदर बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। दूसरा नमी ये सबसे बड़ा कारक बनता है जलवायु कारकों के अंदर। नमी का मतलब आर्द्रता और आर्द्रता का मतलब है चट्टाने जो है अगर उसके अंदर आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्रता अगर ज्यादा रहती है तो चट्टानों के क्षरण होने का चांस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नमी अगर ज्यादा होगी, नमी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी तो चट्टानों का अपक्षय भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो नमी की मात्रा अगर ज्यादा है तो अपक्षय भी क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। ये अपने पास में दूसरा क्या है जल वायु के कारक है। इसके अलावा बात करें वायु जो होती है, वायु के अगर अपन मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे चट्टानों के अंदर है वो वायु की मात्रा अगर बढ़ेगी तो अपन देखते हैं उसमें रिक्त स्थान बनेगा चट्टानों के बीच में। रिक्त स्थान अगर बन गया है, वायु कोश बन गए हैं चट्टानों के अंदर हैं, अगर वो कोश बने तो क्या करेंगे चट्टानों के अंदर दूरी आ जाएगी और दूरी आने का मतलब क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, कपचे करना हो जाएगा स्टार्ट होगा। तो वायु कोश बनने के साथ साथ भी क्या होगा, वो भी इनको ज्यादातर ज्यादा हो जाते हैं तो अपक्षय की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये किसमें बात करते हैं जलवायु कारक के अंदर अपन इसकी बातें करते हैं। दूसरा आपके पास में भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब है भौतिक कारक में चट्टान है वो छोटी है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है, ये भी अपन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर चट्टाने जो है वो किस प्रकार से मिलकर के बनी हुई है, भौतिक रूप से उसकी संरचना कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है या सीधी है, परतदार संरचना है, किस प्रकार की उसकी संरचना है, भौतिक रूप से किस प्रकार से है, बाह्य रूप से है या आंतरिक रूप से। जैसे अपने पड़ा चट्टाने आधुनिक चट्टाने बाह्य प्रकार की होती है और आंतरिक प्रकार की होती है, कुछ चट्टाने जो है वो बाह्य रूप से है या आंतरिक रूप से पाई जा रही है उसमें। दूसरा जो अपने पास में कि उनका भौतिक जो स्वरूप है, भौतिक कारकों में भौतिक जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होता है, दैट मींस भौतिक जो स्वरूप होगा वही डिसाइड करने वाला है क्या कि वो वाली जल्दी टूटने वाली है या लेट टूटने वाली है, उसमें ताप और दाब कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, किस पर डिपेंड करता है, भौतिक कारक के ऊपर डिपेंड करता है। तो चट्टानों के जो भौतिक कारकों की अगर बात करें तो कौन कौन से आते हैं, चट्टानों का जो साइज है वो साइज सबसे बड़ा यहाँ पर योगदान देता है। छोटी छोटी चट्टाने होती हैं वो तीव्रता से टूट जाती हैं, अगर जो चट्टानों का साइज है अगर बड़ा है तो उनको टूटने के अंदर क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये अपने पास में कारक हो गया, कौन से वाला, भौतिक कारक हो गया। अब बात करते हैं रासायनिक या संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक का मतलब चट्टान किस प्रकार की है, किस प्रकार की चट्टान, बड़े बड़ा था स्टूडेंट चट्टानों के प्रकार। आग्रे चट्टाने सबसे कठोर प्रवृत्ति की चट्टाने थी, अवसादी चट्टाने थोड़ी सी कमजोर प्रवृत्ति की होती हैं, कायंत्री चट्टाने पर देखते हैं संगमरमर वगैरह जो होते हैं कायंत्री चट्टानों के अंदर आते हैं, ये आसानी से तो नहीं टूटते हैं पर औरों की तुलना में इनकी संरचना जो होती है क्या होती है, अलग प्रकार की होती है। तो रासायनिक रूप से कई चट्टाने ऐसी होती है जो संरचनात्मक रूप से अलग अलग वेरिएशन दर्शाते हैं। ऐसे प्रकार की बात करें तो आगे जो प्रकार जो चट्टाने हैं वो सबसे कठोर प्रवृत्ति की होती है, क्या होती है, सबसे कठोर प्रवृत्ति की होती है। अब जो कठोर होगी तो कैसे होगी, भंगुर प्रवृत्ति भी पाई जाएगी, जो कठोर पदार्थ जैसे धातु होती है कठोर होती है, ऐसे ही अगर चट्टान भी कैसी कठोर प्रवृत्ति की, कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी, भंगुर प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाएगी। और भंगुर प्रवृत्ति का मतलब होता है टूटने की प्रवृत्ति, तो इनका अपक्षय भी क्या होगा,
होने के चांस ज्यादा रहेंगे, किसके ज्यादा कठोर होगा तो जल्दी टूटेगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। अवसारी जो चट्टाने होती हैं, अवसारी चट्टाने होती है थोड़ी सी नरम प्रवृत्ति की होती हैं, और नरम प्रवृत्ति का मतलब है हल्का सा थोड़ा सा टेम्परेचर पर देंगे तो हो सकता है उनके पिघलने की प्रवृत्ति आ जाए, वापस से पैतृक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाए, कार्बनिक पदार्थों में टूटने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाए। ये सब किसमें आता है, ये आता है रासायनिक संरचनात्मक कारकों के अंदर। मुख्य रूप से तीन ही कारक है मोस्टली को ज्यादा बढ़ानी है इसके अंदर, संरचित के अंदर है कि जलवायु कारक कौन से हैं, भौतिक कारक और रासायनिक कारक क्या क्या हैं, इनके रूप में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये अपने देखा है कि चट्टानों का अपचय कैसे होता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, और अपचय को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक कौन कौन से होते हैं, उनकी बातें अपने यहाँ पर की। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल अपन है इसमें ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले अपन जो बात करेंगे सेक्टर का, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा शायद वो लास्ट टॉपिक भी हो सकता है, कि मृदा जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़े नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी बातें करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट वाला इसमें बात कर रहे हैं जो, और लगभग अपना है कंप्लीट होने के कगार पे चल रहा है ये टॉपिक। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी बातें करेंगे। धन्यवाद।